सुनकर ही आप समझ गए होंगे कि आज रेडियो खांची के स्टूडियो में किन की हंसी खिलखिलाहट गूंजने वाली है। जी बिल्कुल, मृणाल पाठक सर, जो कि आज हमारे साथ हमारे शो चमकते सितारे में मौजूद हैं, मेरे यानी आरजे वैभवी के साथ। तो सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे रेडियो खांची 90.4 FM स्टूडियो में। थैंक यू वैभवी, थैंक यू सो मच, आई फील प्लेजर टू बी हियर। पहली बात तो सर, आपकी आवाज सुनकर सच में मैं खो ही गई थी, इतना खूबसूरत आपने गाया। और लिसनर्स, मैं आपको बता दूं कि मृणाल सर जो हैं वो BIT मिश्रा में फैकल्टी ऑफ आर्किटेक्चर के तौर पर वर्क कर रहे हैं, साथ ही साथ प्रोफेसर इंचार्ज हैं क्रिएटिव आर्ट डिपार्टमेंट में, और इसके साथ ये मूवी प्रोडक्शन भी करते हैं। और संगीत तो आपने सुन ही लिया, उसके बारे में मैं क्या ही बताऊं, मंत्रमुग्ध तो मैं खुद ही हो रखी हूं। सर, सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी, आप अपने बारे में बताइए, आपका बचपन, आपकी हायर एजुकेशन जो हुई कहाँ से हुई, और संगीत में रुझान। देखो, मैं खांटी तौर पे झारखंड से ही हूँ, मैं पैदाइशी रांची का हूँ, तो जी, रेडियो रांची हमारे मेरे मन में बसता इसलिए क्योंकि मैं रांची यूनिवर्सिटी का छात्र भी हूँ। यहीं से मैंने रसायन शास्त्र में मैंने ग्रेजुएशन किया, ऑनर्स था रसायन शास्त्र, क्योंकि पापा साइंस के थे लेकिन लिटरेचर में उनका इंटरेस्ट था। तो संगीत से हमेशा इसलिए रुझान रहा क्योंकि घर में माहौल था थोड़ी कविता की, पापा कविता लिखते थे, और मैं ऐसे फैमिली से आता हूँ जहाँ पे साहित्य संगीत थोड़ा बसता है, तो थोड़ा सा माहौल पिताजी की तरफ से मिला। उसके बाद श्री शैलेंद्र कुमार पाठक जी मेरे गुरुजी हुए, उन्होंने तबला मैंने सबसे पहले शुरू किया, शास्त्रीय संगीत में तबला सीखना शुरू किया, और लॉन्ग बैक 88-89 की बात में बता रहा हूँ, तब से तबला से सीखते सीखते फिर सितार सीखा रतनलाल मिश्र जी से, उसके बाद गिटार कुछ रांची में किया, कुछ लंदन में ट्रिनिटी में मुझे जाने का मौका मिला था, तो मैं स्कॉलरशिप मिली थी मुझे भारत सरकार की तरफ से, तो वहाँ पे कोर्स करने के बाद मैं चूंकि रसायन शास्त्र मैंने बताया तो रांची यूनिवर्सिटीज के यूथ फेस्टिवल जाया करता था, तो वो सारा कुछ बूस्ट करता गया, जैसे जैसे अवार्ड मिलते चले गए, ईस्टर्न जीता, नेशनल जीता, तो फिर वो बूस्ट होता गया, बाद में ऐसी लगन लगी, फिर तो संगीत ही लाइफ हो गई। और BIT मिश्रा में 2008 से मैं लगातार संगीत के माहौल को बरकरार रखा, मतलब कह सकते हैं लगन लगी तुमसे दिल की लगन। एग्जैक्टली सही बात यही है। सर, अब मैं आपसे जानना चाहूंगी, ये संगीत में रुझान आपका बचपन से इंटरेस्ट था या फिर घर में पापा, जैसा कि आपने बताया, उनकी वजह से आपका रुझान आया? देखो, बहुत छोटी की बात तो नहीं बता सकता, लेकिन हाँ, मम्मी कहती है कि बचपन में डब्बे वब्बे इकट्ठे करके मैं बजाना शुरू कर देता था, गाना वाना होता तो अलमीरा जो होता है ना गोदरेज, वो टेढ़ा मेढ़ा कर दिया था बजा बजा के, तो फिर फाइनली पापा बोले कि नहीं, इसको कुछ पीटने के लिए दे दो, तो ढोलक तबला से शुरू हो गया फिर, और जर्नी शुरू कर। हमारे समय एक चीज थी कि उस समय ना व्हाट्सएप हुआ करता था, ना फेसबुक था, ना इतना डिस्टर्बेंस जिसको सो कॉल्ड डिस्टर्बेंस, तो हमारे पास समय होता था, तो हम वो म्यूजिक को दे सकते थे, तो हमारे लिए मोड ऑफ एंटरटेनमेंट भी यही था और लर्निंग भी यही थी, तो अच्छा हुआ मेरे लिए पर्सनली, बहुत अच्छा हुआ कि उसमें व्हाट्सएप नहीं था।
मतलब आप कह रहे हैं कि सोशल मीडिया जो है वो लोगों के लाइफ में डिस्टरबेंस पैदा कर रहा है, 50% 50-50 वाला गेम है असल में। या देखिए मीडिया ये वे दो धारी तलवार है, आप इसका जैसे इस्तेमाल करना चाहते हैं। हाँ, वही 50-50। जैसे तेज छुरी बहुत जरूरी है अच्छे काम के, लेकिन वो बच्चों के हाथ लग गई तो वो हाथ नुकसान भी कर सकती है। समझदारी के साथ इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। हाँ, तो जैसा कि मैंने इंटरव्यू के स्टार्टिंग में ही बताया, आपका BIT मिश्रा से जुड़ाव है, तो किस तरीके का कनेक्शन, क्योंकि जहाँ भी BIT मिश्रा के स्टूडेंट से बात कीजिए, वो किसी भी फील्ड से हो, किसी भी सब्जेक्ट के हो, उनका आपसे बड़ा अच्छा कनेक्शन होता है। तो सर उस बारे में बताइए, ऐसे भी आप बहुत अच्छे पर्सनालिटी के हैं, आपका जो हंसी है वो लोगों को ऑटोमेटिक खुद की तरफ खींच लेता है, तो उस बारे में बताइए। अच्छा, एग्जैक्टली ऐसा है कि आई एम थैंकफुल टू माई कॉलेज यूनिवर्सिटी BIT मिश्रा, दो रीजन से। जी, एक तो मैं मिश्रा के बारे आपको बता दूं, BIT मिश्रा बिरला प्रौद्योगिक संस्थान, ये आजाद भारत का दूसरा टेक्निकल कॉलेज है। यानी जब भारत आजाद हुआ, देश हमारा आजाद हुआ था, तो सबसे पहले जो यूनिवर्सिटीज बने उसमें BIT मिश्रा, और रॉकेटरी, स्पेस साइंस एंड रॉकेटरी एकमात्र डिपार्टमेंट था जो और कहीं पढ़ाई नहीं होती, जो हम लोग पढ़ाते थे। अभी भी इंडिया में बहुत कम ही जगह, एक या दो जगह होगा। और साथ ही BIT मिश्रा ने बहुत सारी इनोवेशन की, तो वहाँ जाने के बाद खुद में एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि मैं जिन लोगों के साथ उठ बैठ रहा हूँ उन्होंने अपने लाइफ को एक मायने दिया है, वो अपने अपने क्षेत्र के हस्ताक्षर थे, और उनके साथ बैठने के लिए मुझे मेहनत तो करनी थी और मैंने कोशिश करी। तो मेरा जो सब्जेक्ट था, मैं फॉर्चुनेट इसलिए हूँ कि बहुत कम तकनीकी कॉलेज ऐसे होते हैं जहाँ सभी छात्रों को चुनना ही है, या तो संगीत चुने, NSS चुने, NCC चुने, या PTN गेम्स, कुछ ना कुछ सिलेक्ट करना। 400 नंबर होता है इंजीनियर्स का। तो मेरे पास इंटर डिपार्टमेंटल स्टूडेंट होते थे। दूसरी बात, मैं कोऑर्डिनेटर रहा हूँ बीटोत्सव का। बीटोत्सव जब भी होता है हमारे यहाँ, ईस्टर्न इंडिया का वन ऑफ द बिगेस्ट फेस्टिवल है, हम उसके कोऑर्डिनेशन में रहे, तो सारे BIT के छात्र को, जितने भी बच्चे थे, एडमिन हो या छात्र, सबको वो कनेक्शंस, तो कल्चरल कनेक्शन रहता ही है। हाँ, एक बात ज़रूरी है जो मैं बताता हूँ कि हमारे यहाँ एक कल्चर ज़रूर है जो स्टूडेंट टीचर रिलेशन का, क्योंकि स्टूडेंट्स भी लॉजिंग है ना, वो रहते हैं 24 घंटा, तो उनके इवेंट्स होते हैं, इंटरेक्टिव सेशंस होते हैं। तो आई एम वेरी मच फॉर्चुनेट, मैं अपने आप में बहुत लकी फील करता हूँ कि एक ऐसा माहौल मिला जहाँ बच्चे भी पॉजिटिव हैं, अच्छा करना चाहते हैं, और टीचर्स भी वहाँ पे, सारे फ्रेंड सर्कल के फ्रेंड थे, वो सब भी कुछ, दे आर इन टू डूइंग अच्छा, हर दिन अच्छा अच्छा, आज अच्छा क्या किए। तो ये माहौल मुझे ग्रो करने के लिए बहुत अच्छा हुआ। मैंने अपने स्टूडेंट्स को बोला भी हर बार ये कि मैंने तुमको पढ़ाया, तुमने ये सीखा, लेकिन मैंने क्या सीखा हर क्लास में, तो मैं भी ये सीखता हूँ कि तुमको कैसे सिखाया मैंने। तो लर्निंग इज व्हाट आई लर्न, टीचिंग इज व्हाट आई लर्न। तो लर्निंग आप लर्न कर रहे हो कि ऐसे पढ़ना चाहिए, मैं सीख रहा हूँ मुझे ऐसे पढ़ाना चाहिए। सो एक ही चीज़ दोनों की लर्निंग है, तो ये स्पिरिट वहाँ बहुत अच्छे से काम होती है। इसलिए आई एम थैंकफुल रांची यूनिवर्सिटी से मुझे जो मिली, हम BIT मिश्रा में उसके साथ काम कर रहे हैं, तो इट्स अ म्यूचुअल कनेक्शन। मतलब सीखने और सिखाने की प्रक्रिया जो वो चलती रहती है, वो राउंड होते रहते हैं। अब सर आपसे मैं जानना चाहूँगी, रांची यूनिवर्सिटी से आपने इतने देर में काफ़ी कुछ बताया, यानी इंटरेस्टिंग कनेक्शन रहा है, लेकिन उससे पहले हमारे लिसनर्स को मृणाल सर एक सॉन्ग आप फिर से सुना दीजिए। यस, अभी चूंकि जगजीत सिंह का जन्मदिन था, अभी जस्ट बीता है जगजीत सिंह, और मुझे बहुत पसंद भी थे जगजीत सिंह, तो मैं कोशिश करता हूँ कुछ लाइन्स अपने तरीके से। बेशक बेशक। हम लबों से कह न पाए उनसे हाले दिल कभी, और वो समझी नहीं खामोशी क्या चीज है, इश्क कीजिए फिर समझिए जिंदगी क्या चीज है, होश वालों को खबर क्या बेखुदी क्या चीज है। मोहब्बत के महीने को अभी हमने ख़त्म किया है और लोगों का दिल तो अभी गार्डन गार्डन हो ही रखा होगा, और साथ ही आपने ये गाना सुना दिया है तो एक अलग ही लोगों में मज़ा ही आ गया होगा लोगों को। तो मैं थोड़ी सी लालची हो रही हूँ, फिर से आपसे एक और गाना सुनूंगी, लेकिन उससे पहले आपका रांची यूनिवर्सिटी के साथ कनेक्शन और कुछ ऐसा पल जो कि आपके लिए यादगार रह गया होगा आपके स्टूडेंट लाइफ का, तो वो हमारे लिसनर्स को सुना दीजिए। रांची यूनिवर्सिटी से हम अलग हो ही नहीं सकते, ना कभी हो पाए थे ना कभी हो पाएंगे।
यहाँ आनंद सर भी हैं, आप हमारी बहुत लंबी दोस्ती रही है ऐसे आउट ऑफ द ट्रैक जिसको बोलते हैं हम, नौकरी के बाहर भी। 1998 से लगातार हमने रांची यूनिवर्सिटी को प्रेजेंट किया है यूथ फेस्ट। मैंने बताया ना आपको, तो रांची यूनिवर्सिटी की जो टीम लेके हम जाते थे ना, चाहे वो कल्याण यूनिवर्सिटी जाना हो, चाहे हम लोग इवन झारखंड की टीम, रांची यूनिवर्सिटी टीम हैदराबाद भी हम लोग लेके गए, तो ये जो टीम जाती थी ना, तो जो भरोसा लेके जाते थे हम, और वहाँ से जब प्राइजेस लेके आते थे, जो भरोसा और जो प्यार रिटर्न बैक होता, तो वो हमारे मेरे दिल से तो कभी नहीं निकल सकता। और मैं रांची यूनिवर्सिटी की एक सबसे खास बात आपको बताता हूँ, रांची यूनिवर्सिटी के जितने भी लोग मैंने मेरे समय से लेकर आज तक, उनमें जो अपनापन मिलेगा, बहुत कम ऐसे अपनापन किसी यूनिवर्सिटी में मिलता है। ये जो बॉन्डिंग है ना, ये बहुत स्ट्रांग रही है। इसके पीछे रीजन ये रहा है कि हमने पढ़ा साथ, हमने प्रॉब्लम्स भी साथ देखे, हमने सोल्यूशन भी साथ देखा, और जो माहौल है ना रांची का, बेसिकली ये कॉस्मोपॉलिटन माहौल है। मतलब यहाँ कोई भी एलियन नहीं है, चाहे वो साउथ इंडिया से हो, तो आप देखेंगे मेकॉन में भी बहुत साउथ इंडियन फैमिली है, चाहे वो पंजाब से हो, तो हमारे यहाँ पंजाबी कॉलोनी है, ट्राइबल कनेक्शन हो गया, अर्बन कनेक्शन हो गया, ये जो म्यूचुअल कनेक्शन है, ये रांची की स्पेशलिटी है। और चूंकि रांची शुरू से राजधानी रही, जब बिहार भी था हमारे साथ कंबाइन, तो भी ये समर कैपिटल होता था बिहार का, तो ये जो माहौल कॉस्मोपॉलिटन था, उसने हमें बहुत वर्साटाइल बनाया। तो हमारे प्रोग्राम्स जब भी आप देख ले, रांची यूनिवर्सिटी के प्रोग्राम बहुत वर्साटाइल होते हैं। यहाँ भांगड़ा भी होगा तो नागपुरी झूमर भी होगा, यहाँ अगर पाइका हो रहा है तो आप देखेंगे इंग्लिश गाने भी उतने अच्छे चल रहे हैं। तो ये जो सीखने मिला ना, ये यूनिवर्सिटी की सबसे बड़ी खास बात यही रही। और ये मुझे लगता है कि ईस्टर्न इंडिया का वन ऑफ द बिगेस्ट यूनिवर्सिटी रहा, लार्जेस्ट यूनिवर्सिटी रहा है। इतना वैरायटी आप स्पैन देखेंगे हमारे समय, अब तो बढ़ गया, पहले जमशेदपुर, हजारीबाग, सब रांची यूनिवर्सिटी के अंदर आता था, तो वहाँ से लोग आते थे, और जो फंक्शन होता था वो बहुत ह्यूज था। तो हमारे जहन में जो इंप्रेशन है, वो सारी चीज़ें बहुत ह्यूज है। तो हमारे लिए रांची यूनिवर्सिटी बहुत बहुत बड़ी चीज़ है, इसको जिसने दिया है रांची यूनिवर्सिटी के टीचर्स, जितना रिस्पेक्ट हमें, जितना प्यार मिला और जितना सीखने का चांस मिला, क्योंकि हम सब खुद ही करते थे, हमें कभी किसी ने रोका नहीं, चाहे हमारे प्रिंसिपल हो या वाइस चांसलर, बड़े कोऑपरेटिव रहे, वो उनका विश्वास था और हमारा एनर्जी था, तो वी हैव डन अ ग्रेट जॉब। बिल्कुल सर, मैं भी आपकी बातों से सहमत हूँ और फील कर पा रही हूँ, क्योंकि मैं भी खुद भी रांची यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट रह चुकी हूँ, तो मैं इस चीज़ को फील कर सकती हूँ। और मुझे पता है कि यहाँ हर तरीके के लोग, हर कल्चर के, हर बैकग्राउंड के लोग यहाँ पे रहते हैं, तो उनके साथ काम करने का, पढ़ने का एक अलग ही माहौल क्रिएट होता है। अब मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपने बताया आपका एक गीता फिल्म अभी आने वाला है, तो आपका संगीत, फिर आप एक टीचर भी हैं और साथ ही आपका मूवी प्रोडक्शन में भी इंटरेस्ट है, तो इस इंटरेस्ट के बारे में बताइए। 1999 हम लोग सब काम करते हैं, मैंने बताया कॉलेज में थिएटर भी करना हो, थिएटर म्यूजिक भी करना होता है, तो करते करते मैं थिएटर म्यूजिक बैकग्राउंड कर रहा था, तो NSD के साथ कुछ वर्कशॉप्स करने का चांस मिला, तो कुछ डायरेक्शंस के पार्ट्स मैंने समझे, तो फिर एक शौक जगा, फिर ETV बिहार में मुझे एक क्लिक मिली उस समय 2002 में, तो मैंने ETV बिहार में डायरेक्शंस करना शुरू किया। तो आई सर्व्ड ETV फॉर 3 ईयर्स, मैंने 3 साल लगातार काम किए प्रोडक्शन में, तो मल्टी कैमरा प्रोडक्शन हो गया, जो भी प्रोडक्शन हाउसेस थे, उसके बाद वहाँ जो सीरियल्स बनाए मैंने, वो मुझे मूवी के लिए इंस्पायर किया। तो हम लोगों ने मॉरल बेस, क्योंकि देखिए आमतौर पे जो कमर्शियल मूवी होती है, हाँ कमर्शियल कहना क्या मतलब, जिसको टिकट लेके लोग पैसा देके स्पॉन्सर करते हैं, मेरे हिसाब से कमर्शियल मूवी मतलब वो कि जिसका एकमात्र ध्येय होता है कि हम पैसे कमा लें, अर्निंग, हाँ जो पैसे कमा लें, सच्चाई। हाँ, उसके लिए हम वैसे सब्जेक्ट चुनते हैं जो लोगों तक पहुँचने चाहिए, जरूरी ना हो लेकिन लोगों को बिक जाए, लोगों तक वो इंटरेस्ट हो, लोग उस पे ज्यादा ध्यान दे, फोकस करें। और जबकि हम समझते हैं एज ए फिल्म मेकर, हमारी रिस्पांसिबिलिटी दो तरह से, एक तो लोगों को एंटरटेनमेंट देना ही, साथ में डॉक्यूमेंटेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हम आज कुछ करके रखते हैं तो हो सकता है आज समझ में ना आए, 20 साल बाद लोगों को उसकी जरूरत पड़े तो डॉक्यूमेंटेड होगी। तो मेरी पहली मूवी जो मैंने रावा के साथ करी, संभवामी युगे युगे, उसमें मैंने इंडियन मैथोलॉजी और हिस्ट्री, मिथ मैथोलॉजी एंड रियलिटी, इस थीम पे किया कि हमारी मैथोलॉजी क्या बोलती है, हमारा हिस्टोरिकल अप्रोच क्या है और उसमें डॉगमा कैसे घुस गया। दूसरी मूवी मैंने मॉन्क की, मॉन्क में मैंने उन सभी ऋषि मुनियों को ट्रिब्यूट दिया, ऋषि मतलब ऋषि मतलब जो लगातार काम कर रहे हैं, यानी रिसर्चर, जो जितने रिसर्चर्स थे जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया, उनके लिए मॉन्क बनाई। उसके बाद हम एक आम तौर पे सुनते हैं कि भ्रष्टाचार बहुत बढ़ रहा है, तो भ्रष्टाचार कैसे सुधरेगा, लोग बोलते हैं ऑफिसर भ्रष्ट हैं, लेकिन एक बात बताइए, गरीब बंदा है जो सरकारी नौकरी में ही मान लिए, जिसकी तनख्वाह 3,000 रुपए है, लेकिन उसकी बेटी की शादी में उसको 15 लाख दहेज देना ही है, तो मैनेज कैसे करेगा, फिर तो वो दोषी नहीं हुआ, उसको तो अच्छा बाप बने या अच्छा स्टाफ बने,
एक अच्छा आदमी बन के घूस ना कमाए, लेकिन अच्छा उस समय बुरा बाप हो जाएगा कि पिता के नाते बेटी को 15 लाख नहीं दे पाया, तो दोषी कौन, मैंने ऐसे बनाया कि दोष कैसे, ये सुधरेगा क्या समाज में, कहां से करप्शन की शुरुआत है, कहां जा सकते हैं, तो एक एनालिटिकल अप्रोच था। और अभी जो मैं गीता ला रहा हूं, उसमें एक छोटा सा सवाल है, गीता क्यों, अगर गीता इतना इम्पोर्टेंट है तो हम सबके लाइफ में क्यों नहीं है इतना इम्पोर्टेंस, और अगर सच में गीता से हम इतना रिस्पेक्ट करते हैं गीता को, तो सच उनके उसके कंट्रीब्यूशन के लिए हम लोगों के पास सारे बच्चे जो हैं वो उनके हाथ में गीता के फॉर्मूले क्यों नहीं है, जिससे एक आदमी अपने लाइफ में विनर हो सकता है, इसलिए गीता मूवी मुझे लानी थी। समय की पाबंदी है, वरना बातें करने को बहुत कुछ है, लेकिन अब एक आखिरी सवाल आपसे लेना चाहेंगे कि आप हमारे रांची यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स या फिर पूरे झारखंड के स्टूडेंट्स को क्या सजेशंस देना चाहेंगे, और एक मैसेज छोटा सा छोड़ते हुए, क्योंकि मुझे गाना भी सुनना है, मैं लालची तो हो रखी हूं। हम लोग APJ अब्दुल कलाम सर से मिले थे जब मुझे नेशनल अवार्ड मिला, तो उन्होंने की एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी, वो हमेशा कहा करते थे ग्रेट पीपल नेवर डू द ग्रेट थिंग्स, दे डू द थिंग्स इन अ ग्रेट वे। एक महान आदमी बहुत महान काम नहीं करता है, लेकिन हर काम को महान तरीके से करता है। तो अभी मुझे लगता है जितने भी यंगस्टर्स हैं जो जिन तक मेरी आवाज पहुंच रही होगी, उन्हें ज्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है पैसे कमाने के लिए, क्योंकि लाइफ को डिफाइन करना ज्यादा जरूरी है। लाइफ एक परिभाषा बन जाता है, जैसे मुझे अगर खरीदना है, सपोज करो मुझे गाजर खरीदना है, और गाजर एक आदमी बहुत सबसे अच्छा गाजर एक आदमी बेचता है, तो जब मुझे गाजर खरीदना तो उसी के पास जाएंगे, क्योंकि उसने अपने आप को एस्टैब्लिश कर लिया है। तो कुछ भी करो लेकिन अच्छे से करो, कंस्ट्रक्टिव करो, मन में विकार रहने की जरूरत नहीं है, स्ट्रेस नहीं ले, लाइफ एक ही है, एंजॉय करते हुए सीखते चले, और डेफिनेशन दे लाइफ को, क्योंकि बहुत जरूरी है डिफाइन करना अपने आप को, ये बहुत जरूरी चीज़ है। किसी भी काम को अंत तक करके ही छोड़ना है, बिल्कुल सिद्दत के साथ। अब आप गाना सुना दीजिए, और आपके गाने के साथ मृणाल सर हम अपने शो चमकते सितारे का एंड करेंगे। अच्छा, एक गाना तो आनंद भैया को भी पता है कि हम हमेशा ही गाते हैं, चाहे वो, क्योंकि ये मेरे दिल के बहुत करीब और यूथ के लिए बहुत जरूरी है। माना अपनी जेब से फकीर है, फिर भी यारो दिल के हम अमीर है। माना अपनी जेब से फकीर है, फिर भी यारो दिल के हम अमीर है। जले जो प्यार के लिए वो जिंदगी, बाहर के लिए वो जिंदगी। किसी को हो ना हो हमें तो ऐतबार, जीना इसी का नाम है। किसी की मुस्कुराहट में हो निशान, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार। किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। सबसे जरूरी लाइन इसमें ये आती है, रिश्ता दिल के दिल से ऐतबार का, जिंदा है हमी से नाम प्यार का। कि मर के भी किसी को याद आएंगे, किसी के आंसुओं में मुस्कुराएंगे। कहेगा फूल हर कली से बार बार, जीना इसी का नाम है। बिल्कुल, जीना इसी का नाम है। और आज के शो चमकते सितारे में आज हमारे साथ बने हुए थे मृणाल पाठक सर, जो कि BIT मिश्रा के प्रोफेसर इंचार्ज हैं क्रिएटिव आर्ट डिपार्टमेंट में। तो सर, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ हमारे रेडियो खांचे में आने के लिए, और प्लेजर टू मीट यू, और मुझे इतना कुछ बताने के लिए प्लेजर टू मीट यू सर। आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला, और लिसनर्स को भी बहुत ही मजा आया होगा आपका इंटरव्यू सुनने के लिए। तो लिसनर्स, आपको कुछ भी जानना है या आप भी चाहते हैं चमकते सितारे में आने के लिए, आपने भी कुछ ऐसा किया है अपने क्षेत्र में, तो हमारे नंबर पे हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर फोन करके भी हमसे बात कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9472786904। अगर आपने नोट नहीं किया तो मैं रिपीट कर रही हूँ, 9472786904। इसी के साथ RJ वैभवी लेती है आपसे विदा। आप सुनते रहिए रेडियो खांची 90.4 FM, हम सब का रेडियो। थैंक यू।